Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो एज आई एम श्योर आप लोग जो है SEO करना तो डेफिनेटली चाहते होंगे, और SEO सीखना भी बहुत जरूरी है अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को SEO का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट बताने वाला हूं कि पांच ऐसे स्टेप्स जो ऑन पेज SEO करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइज, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दैट इज डिजिटल मंजीत। ऑन पेज SEO यानी कि जब हम अपनी वेबसाइट के किसी पेज को गूगल के नंबर वन पे लाने के लिए जो काम करते हैं, जो उस पे प्रोसेस करते हैं, जो उस पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उस चीज को, उस मेथड को हम कहते हैं ऑन पेज SEO। फाइव स्टेप्स में आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं ऑन पेज SEO करते वक्त हमें क्या क्या चीजों की ध्यान रखना है और आपको उनपे क्या करना है। पहला जो पॉइंट है दैट इज योर कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड रिसर्च कहने का मतलब है कि यानी कि जो भी हमारा कंटेंट है उससे रिलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं, जो एक्चुअली लोग देख रहे हैं, जिसको सर्च कर रहे हैं, वो आपको जो है फाइंड आउट करने हैं। अब ये फाइंड आउट कैसे करने होते हैं या जो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो सारे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो यहां पर जो है वो सारे कीवर्ड्स आपको रिसर्च करने हैं, और रिसर्च करके अपने कीवर्ड, आपका जो कंटेंट है पेज के ऊपर में, उसके अंदर जो है उसको पूरे कीवर्ड्स को जो है ऐड करना है। अब ऐड करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता है, और फिर उसके बाद जब हमारे रिजल्ट आते हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है कि कितना कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट वगैरह। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत आसानी से आने वाले वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। ये पहला टॉपिक होता है जिस पे आपको फोकस करना है ऑन पेज SEO में। सेकंड होता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कहने से मेरा मतलब है कि जो भी हमारा कंटेंट है हम उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं, और कंटेंट को इस तरह से हमने जो है स्ट्रक्चर करना है, इस तरह से उसको लिखना है ताकि जो भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से सर्च करके अगर हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो वेबसाइट पे आने के बाद, उस पर्टिकुलर पेज पे आने के बाद में वापस आउट नहीं होने चाहिए। उनकी जो प्रॉब्लम है वो पहले ही आपको दो या चार लाइनों के अंदर डिस्क्राइब कर देनी है ताकि उनका इंटरेस्ट बने, और उसके बाद जो है हमने इस पूरे, क्योंकि एक पेज के ऊपर में हम बहुत बड़ा कंटेंट लिख सकते हैं, उस कंटेंट को हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पहले जो है एक इंफॉर्मेशन टैब बनाना है, जिसको हम जो है इंडेक्सिंग टेबल भी बोलते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर जो है हाइपर लिंक्स देने होते हैं। डोंट वरी, ये भी पूरा आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये दूसरा जो पॉइंट हमें करना होता है कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड योर मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं? सो बेसिकली मेटा टैग जो है, जैसे कि अगर किसी भी पेज के ऊपर में कोई टाइटल डला हुआ है तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये पेज के ऊपर में हमें किस रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है। इसी तरीके से जब हम किसी भी वेबसाइट को या किसी भी कीवर्ड के ऊपर में हम पर्टिकुलर गूगल या किसी भी सर्च इंजिन पे सर्च करते हैं तो वहां पे सबसे पहला जो आता है दैट इज योर हेडिंग। हेडिंग आती है यानी कि जो आपका टाइटल है वो आता है, और उसके नीचे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता है अबाउट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, कि हम जो सर्च कर रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है। तो जो मेटा टैग होता है उसके अंदर हमने जो है वही डिटेल डालनी है, वो कीवर्ड्स डालने हैं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे के अंदर, जिसके चलते हमें ये पता चल सके कोई भी अगर हमारा पेज रैंक में आ रहा है, सर्च में आ रहा है, तो वहां से वो पर्टिकुलर जो यूजर है वो उसको देख के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसी को हम मेटा टैग बोलते हैं, जिससे हमारे पेज पर वो आ सके। इसके ऊपर में काम करना होता है। चौथा होता है आपका हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो है वो हमारे पेज के ऊपर में होते हैं, यानी कि जो हमने एक स्ट्रक्चर, पूरा पेज जो लिखा है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। तो H1 टैग जो है वो बेसिकली सबसे हाइलाइटेड जो एक सेक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर उसके अंदर हमारे कुछ सब हेडिंग्स है,
उसके लिए हम H2 टैग इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे भी अंदर कोई पॉइंट्स हैं तो H3 एंड H4 जो है, इस तरह से सब कैटेगरीज को हम डिफाइन करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है यहां पर क्रिएट करते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है, यूजर को तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने जो कंटेंट लिखा है वो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में लिखा, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है, विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। जो यूजर है उसको बहुत आसानी से समझने के लिए कि आपने इस पे क्या लिखा है, क्या बताना चाहते हो, जो उसकी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो रही है कि नहीं, वो आपने बहुत ही सिस्टमैटिक लिखा है, ये पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि ऐसा अगर आप काम करते हैं, पूरा प्रॉपर हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो सर्च इंजन जब आपके क्रॉलिंग्स करते हैं, उनको भी आपके पूरे कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है, आपके पेज का जो स्ट्रक्चर है, वो यहां पर जो है विजिबल हो जाता है। जिसके चलते अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि आपने जो भी एक SEO करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपने फॉलो किए हैं, जो रूल्स हैं वो आपने फॉलो किए हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पेज है उसको जो है गूगल डेफिनेटली प्रमोट करेगा। जब यूजर आएंगे उसके ऊपर ट्रस्ट, कितनी देर वो वहां पे रहते हैं, उससे आपका जो पेज का जो पेज अथॉरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा लास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही करना होता है, इसके अलावा भी कुछ और टास्क होते हैं। फिफ्थ जो हमारा स्टेप है, दैट इज योर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग कहने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर में, हमारे ब्लॉग के ऊपर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के जो है हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं पोस्ट। अब ऐसे में मान लीजिए कोई आपका एक पोस्ट जिस पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो वो है आपका SEO से रिलेटेड। अब SEO से रिलेटेड जो है आपने एक इंट्रोडक्शन डाला, दैट इज व्हाट इज SEO। अब व्हाट इज SEO तो आपने पूरा बता दिया। अगर यूजर कहीं से भी आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू दी वेब सर्वर सर्च इंजन और या फिर किसी भी प्रोसेस से अगर आपके उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाता है, तो उसने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज SEO, लेकिन इसमें और आगे करना क्या है उसको समझने के लिए डेफिनेटली आपने और भी अदर पेजेस लिखे होंगे, लाइक ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, राइट। तो ये जो है आपने जो लिखे हैं, जो इसके प्रोसेस लिखे हैं, जो मेथड्स लिखे हुए हैं, तो उन सभी मेथड्स के भी आपने ब्लॉग बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स आपने पोस्ट करी होंगी। अब ऐसे में यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, दैट इज इंटरनल लिंकिंग, ताकि यूजर को ढूंढना ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे इसी से नेक्स्ट जो हमारे पास में सेम कंटेंट से रिलेवेंट जो कंटेंट हमारी उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर है, उनके लिंक्स जो है हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि यूजर को जो है नेविगेशन में जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो है इंटरनल लिंकिंग। तो ये पांच स्टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो ऑन पेज SEO को जो है आपके बढ़ाते हैं, आपका पेज जो है वो सर्च इंजन में रैंक करने के लिए जो है हम जिस पे काम करते हैं। तो आई होप गाइस कि ये जो पांच स्टेप्स मैंने आपको बताए ये आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ आए होंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग ली है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली इन्हीं को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आपको ऑन पेज SEO ये जो पांच स्टेप्स हैं उस पे कैसे काम करना होता है। तो चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में हम बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के रिलेटेड कंटेंट जो है वो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।